एक महीने में दो चैप्टर करने हैं आपको, नहीं कर सकते क्या? एक रेफरेंस बुक या एक क्वेश्चन बैंक उठा के तो देखो, एक एक मार्क के जो क्वेश्चन है ना, 60 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे एक में। आपको यह देखना है कि जब टीचर आपका पेपर खोले तो उसको एक फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसा देना चाहते हो, वो क्या आप उसको लिख पा रहे हो बिना गलती करे, बिना काटापिटी करे लिख पा रहे हो? अगर तो आपको देखना है कि क्या आप उसको लिमिटेड टाइम में लिख पा रहे हो। इसका एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको लिख पाओ जाके, ठीक है? तो ये प्रिपरेशन का पार्ट है। तो इसमें हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों अब अगस्त आ चुका है और अगर आप क्लास 12th में हैं और आपका टारगेट है कि आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स लेकर आओ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो अभी भी पढ़ के आप किस तरीके से बहुत अच्छे मार्क्स यानी 100% मार्क्स, देखो हम तो 100% का टारगेट लेकर चलेंगे, और अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लोगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो आपके 100% मार्क्स जरूर आ जाएंगे। अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं करी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कुछ चैप्टर्स कर चुके हैं या कुछ चैप्टर्स आपके कच्चे हैं कुछ पक्के हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आप काफी चैप्टर्स अच्छे से कर चुके हो और अब जानना चाहते हो कि और आपको क्या करना है ताकि आपके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स 100% मार्क्स आ जाएं, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बड़ा वीडियो है ये, क्योंकि काफी चीजें यहां पर मैं लेकर आया हूं जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी। पिछले 15-20 सालों से मैं बहुत बच्चों को, हजारों बच्चों को क्लास 11th और 12th के फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाता रहा हूं, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं ये सारी बातें आपके साथ शेयर करने आया हूं। तो अगर आप अपने प्रिपरेशन को लेकर 100% सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड कर दे कि आपको किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए ताकि आप 100% मार्क्स स्कोर कर पाओ अगस्त से स्टार्ट करके, तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे तो ये बनाया गया है अगस्त में कि अभी से आप स्टार्ट करके किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो कि आपके 100% मार्क्स आए, लेकिन अगर आप इस वीडियो को बाद में भी देख रहे हो तो भी इसमें बताई गई सारी बातें आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं प्रैक्टिस और प्रिपरेशन के बीच का डिफरेंस। मैक्सिमम बच्चों को ये पता ही नहीं है तो वो मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। मैं आपको बताने वाला हूं कि पढ़ने के लिए आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए और एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स और स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, और मैं आपको बताने वाला हूं क्या क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए आपके लिए एज अ स्टूडेंट, ताकि आप कहीं पर भी वीक ना पढ़ो, अपना 100% दे पाओ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपसे, आपके पास क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। अब जब भी आप पढ़ने बैठो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आपके दिमाग में एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आप प्रिपरेशन के लिए बैठे हो या प्रैक्टिस के लिए बैठे हो। हो सकता है आपको ये बात कंफ्यूज कर दे, क्योंकि ये बात आपको आज तक किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक स्टूडेंट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का। क्यों स्टूडेंट्स मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते उतने जितने के वो सपने देखते हैं, जितने के वो चाहते हैं, जितना उन्हें लगता है कि उन्होंने मेहनत करी है? उसके पीछे का कारण है कि वो प्रैक्टिस ही करते रह जाते हैं, पढ़ाई ही करते रह जाते हैं और एग्जाम की प्रिपरेशन पे कभी भी फोकस नहीं कर पाते। अब वो कहेंगे कि सर वो प्रैक्टिस और पढ़ाई जो हम कर रहे थे वो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ही तो थी। बिल्कुल थी। तो जरा डिटेल में समझते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बात आपके लिए। बच्चों जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हो, आप उसको सबसे पहले क्या करते हो उस टॉपिक के साथ, उसको आप बुक से पढ़ोगे या आपके टीचर आपको पढ़ाएंगे या आपने यूट्यूब के किसी चैनल से उसको देखा है या स्कूल में पढ़ा है, जैसे भी आपने उसको पढ़ा, पढ़ने के बाद आप क्या करते हो, आप उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आप उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेते होगे, आप रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चंस कर लेते होगे। ये जो सारी चीजें आप कर रहे हो ना, ये अभी आप टॉपिक को सीखने के लिए कर रहे हो। समझ में आई बात आपको? आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, उसके न्यूमेरिकल्स लगा लिए, उसके बारे में और क्वेश्चंस कर लिए, उसकी थोड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग बना ली, उसके बारे में सोच लिया, ये सब आप क्या कर रहे हो, ये सब अभी आप टॉपिक को सीख रहे हो। लेकिन आपने उस टॉपिक को सीख के करना क्या है? आपने उस टॉपिक को सीख के उस टॉपिक में से जो क्वेश्चन आएगा उसको एग्जाम में लिमिटेड टाइम में बहुत ही बढ़िया हैंडराइटिंग में लिखना है जाके। अब प्रैक्टिस करने से क्या वो वाली चीज अचीव हो पाएगी? नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की अचीव नहीं हो पाती। तो हमारी स्ट्रेटेजी के दो मेजर पार्ट्स हैं।
एक तो है प्रैक्टिस, जब मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूं उसे सीख रहा हूं, उसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहा हूं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी नहीं मैं कहूंगा उसके सारे क्वेश्चंस देख रहा हूं। अब जब आप एक टॉपिक को सीख चुके हो या मान लो आप एक चैप्टर को सीख चुके हो, अब बात आती है उस चैप्टर को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की। अब एग्जाम के लिए उस चैप्टर को जब आपने प्रिपेयर करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने पूरा तो टॉपिक पढ़ लिया, अब कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे याद रखनी है, जो मुझे लिख के देखनी है, जो मुझे एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो आपको उनको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करना होगा, और उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट का रोल भी आएगा, उसमें आपका प्रेजेंटेशन का रोल भी आएगा, उसमें यह भी आएगा कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी कम इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और डिटेल में मैं लेकर चलता हूं आपको। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या रिसोर्सेज आपके पास होने चाहिए दोनों ही चीजों को मिला के, प्रैक्टिस के लिए भी और प्रिपरेशन के लिए भी। मस्ट हैव बुक्स जो आपके पास होनी चाहिए वो है एनसीईआरटी प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये तो भैया एकदम ऐसी बुक्स हैं जिनकी एक भी लाइन आप छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि हर एक लाइन में से पता नहीं कहां से एमसीक्यू आ जाता है, कहां से assertion reason आ जाता है। ठीक, ये आपको अच्छा किस ऑर्डर में पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी यहां पे सिर्फ ये बात हो रही है कि ये सारी चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक, नंबर टू, आपके पास होनी चाहिए एक रेफरेंस बुक। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला जो रिसोर्स है ये ऑप्शनल है, क्योंकि उनको एनसीईआरटी से समझ में आ जाता है, अच्छे से समझ में आ जाता है। आपको अगर एनसीईआरटी की लैंग्वेज टफ लगती है तो आपके पास एक रेफरेंस बुक होनी चाहिए। रेफरेंस बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रदीप ले सकते हो क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के लिए, एसएल अरोड़ा ले सकते हो, बच्चे पूछते सर एचसी वर्मा ले सकते हैं, एचसी वर्मा ले सकते हो, लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टली बात हो रही है क्लास ट्वेल्थ के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स बनाई गई हैं उनकी, कि आपको बिल्कुल क्लास ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है, जो आपको क्लास ट्वेल्थ के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा उससे रेलेवेंट टॉपिक्स की पढ़ाई करनी है। तो आपको वो बुक्स लेनी चाहिए जो उसके अकॉर्डिंग बनाई गई हो, और यहाँ स्क्रीन पे मैंने दो नाम लिखे हुए हैं। आपके पास अगर इन दोनों में से कोई भी बुक है उसका अच्छा इस्तेमाल करो, एक एक चीज उसमें डिटेल में दी हुई है। ठीक, और अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको एनसीईआरटी से सब समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपके पास होना चाहिए फोन, है ना, या फिर टैबलेट कह लो या कंप्यूटर कह लो, बिकॉज 2023 चल रहा है और इसमें आप अगर चीज का सही फायदा नहीं उठा सकते तो फिर आपको इस साल में जीने का कोई हक नहीं। सही बात है, देखो मेरे पास स्टूडेंट्स ये कंप्लेंट्स लेकर आते हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, फोन का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, फोन को लेकर बैठे रहते हैं और उनका वो कुछ भी देखते रहते हैं, उनका टाइम वेस्ट होता रहता है। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? अब टाइम तो देखो आपका है, ठीक है, अब आपके पास वो सारे रिसोर्सेज भी हैं, चीजें तो रहेंगी, ऐसा नहीं है कि दुनिया से फोन्स को हटा ही दिया जाएगा या आपकी लाइफ से फोन्स को हटा ही दिया जाएगा। अब आप इन सारी चीजों से घिरे हुए हो, अब आपको यह तय करना है कि आप उन सारी चीजों का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करोगे या अपने नुकसान के लिए इस्तेमाल करोगे। आपके हाथ में मैं चाकू दे दूं, आप उस चाकू से सब्जी भी काट सकते हो, आप उस चाकू से अपने हाथ की नस भी काट सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप चाकू का क्या इस्तेमाल करोगे, इसमें चाकू की कोई गलती नहीं है। तो फोन का बहुत सही इस्तेमाल किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, एक एक टॉपिक को इन डेप्थ बहुत ही बढ़िया टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है यहाँ पे, तो आप फोन का सही इस्तेमाल कर सकते हो। एनसीईआरटी या रेफरेंस बुक से भी जो टॉपिक समझ में नहीं आया, या आपको लगता है कि पढ़ के मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, कोई सामने समझा दे तो समझ में आ जाएगा, तो फिर आप इस फोन का सही इस्तेमाल करो और इसमें टीचिंग के वीडियोस देखो और बीच बीच में टाइम पास कर लो थोड़े थोड़े टाइम के लिए, बट ये नहीं कि बैठे ही लेकर बैठे ही टाइम वेस्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीन आपके पास चीजें होनी चाहिए, ये आपकी हो जाएगी बहुत ही बढ़िया, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एक एक क्वेश्चन आता है, रेफरेंस बुक से आपने पढ़ लिया, न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में कम रहते हैं, इसके लिए मैं लिख देता हूं कि मेनली आपके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए और जो टॉपिक एनसीईआरटी से समझ में नहीं आता उसके लिए ये बुक है। अब बच्चों
अब बात करते हैं, तो ये वाले जो चीजें है ना, दिस इज फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। अब बात करते हैं, हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। अब ये सारी चीजें हमने सीखी क्यों? क्योंकि हमें एग्जाम में जाकर लिखना है इनके आंसर्स को, इनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारे पास एक लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिनके पास नहीं है वो आज ही खरीदें। लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों, जो CBSE 2024 के एग्जाम को टारगेट करके बनाया गया हो, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे आपको। एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर में आपको कोई बहुत ज्यादा केस स्टडी, एसर्शन, रीजन, एमसीक्यूज वगैरह नहीं मिलेंगे। जितने आपको चाहिए वो आपको मिलेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक्स में। रेफरेंस बुक्स भी प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाई गई, प्रैक्टिस के लिए बनाई गई है। हालांकि वो सारी अच्छे से कर लो तो आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं ना कि अगस्त से स्टार्ट करके हम किस तरीके से पढ़ाई करें कि हम उतने मार्क्स अचीव कर पाए जितने हम अचीव करना चाहते हैं। तो हमारे पास समय है कम, और थोड़ी सी अगर कैलकुलेशन हम करें, अगर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करें तो हमारे पास समय है कहां कम। हमारे पास 7 मंथ्स हैं और हमारे पास करने को चैप्टर्स हैं 14 चैप्टर्स हैं। इतनी मैथ्स तो आपको आती है कि आप ये बता सकते हो कि 2 महीने, 1 महीने में 2 चैप्टर करने हैं आपको, नहीं कर सकते क्या? अरे भाई जरा एक रेफरेंस बुक या एक क्वेश्चन बैंक उठा के तो देखो, एक एक मार्क के जो क्वेश्चंस है ना, 60 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लोगे 1 मिनट के अंदर। वो तो ये है कि आप स्टेप नहीं लेते हो। अगर आप स्टेप लोगे तो आपको पता चलेगा समस्या उतनी बड़ी कभी थी ही नहीं, ना कभी होगी। अगर आपके पास, मैं कह रहा हूं कि और आधे कर दूं मैं, 3.5 मंथ्स है तो भी आपको 1 महीने में 4 चैप्टर करने, एंड दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। तो अभी बिल्कुल भी देर नहीं हुई है, काम पे लग जाओ। तो लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जिसमें हर टाइप के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन कवर हो, सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हो, 2023 के क्वेश्चन जरूर हो। आपके स्कूल में जो एग्जाम आएंगे हाफ ईयरली, प्री बोर्ड, उसमें 2023 के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सवाल पूछोगे कि सर कौन सा क्वेश्चन बैंक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या सबसे अच्छा है? मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम आइडिया का ये जो क्वेश्चन बैंक है लेटेस्ट, ये खरीद लो। बहुत ही बढ़िया बुक है, हर टाइप का क्वेश्चन है, हर कॉन्सेप्ट कवर्ड है, 2023 के क्वेश्चन है, लेटेस्ट सैंपल पेपर है, हर टाइप का क्वेश्चन है। इस एग्जाम से, इस बुक से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपने सिंपली ये बुक खोल के बैठ जाना है और उस चैप्टर को, इस बुक से एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल निपटा देना है। और जब आप, अब हम क्योंकि प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप इस बुक का एक एक क्वेश्चन करो तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन ना सिर्फ आपको आए बल्कि जब एग्जाम में आप इसको लिखने जाओ तो भी आपको याद रहे और आप उसको पूरा फर्स्ट अटेम्प्ट में लिख पाओ। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन, और ये होगी आपकी लिख लिख के। इसमें तो आपने, चलो रेफरेंस बुक में आप कोई क्वेश्चन पढ़ ले, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ ये मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, दैट इज फाइन। बट अब यहाँ पे प्रिपरेशन की बात हो रही है तो एक एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि क्या जब ये एग्जाम में आएगा तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा, या अभी तो मुझे समझ में आ गया मैं बाद में भूल जाऊंगा। तो ये जो बुक है, कोई भी लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक एग्जाम आइडिया इज वेरी गुड, तो ये जो बुक है इसका एक एक क्वेश्चन आपको ऐसे करना है कि आपको एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप उसको लिख पाओ जाके, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन का पार्ट है, तो इसमें आपको काफी चीजें करनी पड़ेंगी। क्वेश्चंस को जो आपको टफ लग रहे बार बार लिख के देखना पड़ेगा, आपकी लैंग्वेज नहीं बन रही, बुक की लैंग्वेज में जो डेरिवेशंस है उन्हें बार बार लिखना होगा, और उसके अंदर जो डायग्राम्स है उन्हें बहुत अच्छे से बनाना होगा। अभी वीडियो के एंड में हम बात करेंगे एग्जाम में प्रेजेंटेशन की, ठीक। तो ये रिसोर्सेज हैं जो आपके पास होने ही चाहिए, अगर इनमें से एक भी कम है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। समझ में आई बात आपको? तो ये आपके हो गए मस्ट हैव रिसोर्सेज। अब बात करते हैं कि स्टडी के लिए आपको स्टेप वाइज करना क्या होगा। सबसे पहले बच्चों, आप जो भी चैप्टर उठा रहे हो या जो टॉपिक उठा रहे हो, आप उसका लेक्चर अटेंड करे हो अपने टीचर के पास, अपने ट्यूटर के पास, स्कूल में या यूट्यूब से, तो किसी टीचर से उसको पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद उसको एनसीईआरटी से
एनसीईआरटी से उसको पढ़ लो। अगर तो आपको एनसीईआरटी से समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो आप इस पे चले जाओ रेफरेंस बुक पे, ठीक। और रेफरेंस बुक पे जाने के बाद वापस उस टॉपिक को एनसीईआरटी से पढ़ो, ताकि आप देखो कि हाँ टॉपिक मेरे को समझ में आ गया है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो मुझे याद रखनी है। एनसीईआरटी से उसको पढ़ने के बाद, मान लो एक पूरे चैप्टर की यहां पे बात हो रही है, ठीक, एनसीईआरटी से उसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी के आपने क्वेश्चंस करने ही करने हैं। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके प्रिपरेशन का पार्ट है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक्स में दिए होते हैं तो वहीं से डायरेक्ट कर लोगे, चलेगा। नहीं तो एनसीईआरटी कंप्लीट करके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको पूरे लगाने होंगे उस चैप्टर के। और इस बीच आपको जिस टॉपिक में समस्या आ रही है उसकी रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल्स करो, रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल करो। देखो टॉपिक में समस्या आ रही है तो टॉपिक तो आपने रेफरेंस बुक से पढ़ लेना फिर एनसीईआरटी से। तो जिस टॉपिक में अब आप क्वेश्चंस करने के बाद आपको लगता है कि ये टॉपिक आपका और क्लियर होना चाहिए था, आपको न्यूमेरिकल्स वीक रह गए, तो रेफरेंस बुक से उसके एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स करो और फिर आ जाओ क्वेश्चन बैंक पे और उस चैप्टर को क्वेश्चन बैंक से पूरा प्रिपेयर कर लो। ये आपके स्टेप्स होंगे पढ़ाई करने के, ठीक है, समझ गए। लेक्चर्स अगर आपके पास कोई टीचर है जो आपको अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, आप चाहते हो कि आपको डिटेल में कोई बंदा एक एक चीज बिल्कुल इन डेप्थ समझा दे एनसीईआरटी की, तो आप मेरा लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 2499 में, पूरा साल मेरे से पढ़ सकते हो, या रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो 549 में। इन दोनों ही कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मनदीप एजुकेशन अकेडमी ऐप पर ये कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं, सारा कॉन्टेंट है इनके अंदर, और PDFs हैं, मतलब वर्कशीट्स हैं, नोट्स हैं, फॉर्मूला शीट्स हैं, डेरिवेशंस हैं, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स एंड एवरीथिंग। कोई कंफ्यूजन हो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप पे और टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक। अब बात करते हैं एग्जाम प्रिपरेशन की। बच्चों जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको एक 5-step स्ट्रेटेजी मैं बताता हूं, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हम उठाते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या आपको वो क्वेश्चन आ गया, समझ में आ गया। ये है आपका पहला स्टेप जो कि है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। बच्चे इसी पे रुक जाते हैं, बोलते हैं हाँ ये टॉपिक हमको समझ में आ गया, आगे बढ़े। नहीं, स्टेप टू, फिर आपको देखना है अब आपको वो आ गया तो क्या वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लिखना भी आ गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या आप उसको लिख पा रहे हो बिना गलती करे, बिना काटा पीटी करे लिख पा रहे हो। अगर तो आपको देखना है कि क्या आप उसको लिमिटेड टाइम में लिख पा रहे हो, फिर अगर लिमिटेड टाइम में भी लिख पा रहे हो तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में लिख पा रहे हो, और अगर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन में भी लिख पा रहे हो तो आप ये जान लो कि एग्जाम में आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस आएंगे सारे चैप्टर्स के, तब भी क्या आप उसको कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजों में आपका जो आप टेस्ट देते हो अपने टीचर को स्कूल में या कोचिंग में या जहां भी, वो टेस्ट बहुत मैटर करते हैं, ठीक है ना। सो ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एज अ स्टूडेंट आपके क्या क्या डूज होने चाहिए और क्या क्या डोंट्स होने चाहिए, ताकि आप बिल्कुल भी पिछड़ो मत किसी भी चीज में। बच्चों एक वेल स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपका जरूर होना चाहिए, प्लानिंग से काम किए बिना काम होगा ही नहीं, कि आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, इस हफ्ते क्या पढ़ना है। एक एक वीक का बना लो, दो दो दिन का बना लो, बट स्टडी प्लान इज अ मस्ट। रेगुलर रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ाई करो आप ये ध्यान रखो कि आप लिख लिख के पढ़ाई कर रहे हो और रेगुलर रहो, ये नहीं कि आज पढ़ाई करी और एक हफ्ते बाद फिर कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक को रटने की कोशिश मत करो, उस टॉपिक के क्वेश्चंस जो बुक में दिए हैं वो तो कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई नया क्वेश्चन आ जाएगा उस टॉपिक से तो नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कर लोगे।
और अपना एक रिवीजन का शेड्यूल जरूर बनाओ ताकि आप हर चीज को रेगुलरली रिवाइज कर पाओ। अपने मेमोरी पे आप वो मत करो कि भाई हाँ आप यहाँ पे मैंने लिखा है डोंट रिलाई ओनली ऑन मेमोराइजेशन कि हाँ एक बार मैंने पढ़ लिया याद हो गया अब हमेशा याद रहेगा, नहीं। अच्छा डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, चीजों को कल पे बिल्कुल भी मत छोड़ो, कल भी आपको ही करना है, आज मन नहीं कर रहा तो कल बिल्कुल नहीं करेगा। डोंट रिलाई ऑन मेमोराइजेशन, चीजों को याद नहीं रखो फिजिक्स में तो बिल्कुल भी नहीं, समझ लोगे ना चीज को निपट जाएगा काम, फिर याद नहीं करनी पड़ती, ठीक है। डोंट स्किप प्रैक्टिसिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, फिजिक्स को समझने का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतर, सबसे बढ़िया तरीका है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। एक टॉपिक के जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर फिजिक्स में समझ में आने लगेगा आपको। एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, ये बड़ी टेंशन लेते हैं बच्चे, आप देखते होगे अपने आसपास वालों के, उसके तो 4 चैप्टर हो गए, उसके तो 5 चैप्टर हो गए। बच्चों सबको बराबर टाइम नहीं लगता कोई भी टास्क करने के लिए, कोई जल्दी करता है कोई देर में करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि जिसको देर लग रही है वो जल्दी वाले से आगे नहीं निकल सकता, वो स्मार्ट प्लानिंग से उससे आगे निकल सकता है। तो आप दूसरों से कंपेयर मत करो अपने आप को, आप ये देखो कि आपकी जर्नी क्या है, आप कहां आज स्टैंड करते हो और आपको क्या अचीव करना है, तो उसके लिए इतने टाइम गैप में आपको क्या करना है, दूसरों को बिल्कुल भूल जाओ। एंड प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, अब एग्जाम जब आप देने जाओगे तो प्रेजेंटेशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों। आप एग्जाम में प्रेजेंटेशन कर ही नहीं पाते ठीक से, जितने मैंने अपने बच्चों के पेपर देखे हैं, अपने स्टूडेंट्स के पेपर देखे हैं, उसके बाद मैंने उनको सिखाया, तो आप प्रेजेंटेशन को बहुत हल्के में लेते हो। प्रेजेंटेशन इतना मैटर करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको यह देखना है कि जब टीचर आपका पेपर खोले तो उसको एक फर्स्ट इंप्रेशन आप कैसा देना चाहते हो। वो पेपर खोल के उसको ऐसा इंप्रेशन भी आ सकता है कि अच्छा काटापिटी मची हुई है, और पेपर खोल के उसको ऐसा इंप्रेशन भी आ सकता है कि वाओ। आप देखो कि आपने उसको कैसा इंप्रेशन देना है। जब भी आंसर्स लिखते हो प्रॉपर उनके एक फॉर्मेट में लिखो, डेरिवेशंस लिखते हो तो उसमें आपको बहुत बढ़िया सा डायग्राम बनाना है, उसमें थ्योरी लिखनी है, या न्यूमेरिकल लिख रहे हो तो फाइनल आंसर बॉक्स में डालो। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं होंगी, तो जब एग्जाम की प्रिपरेशन वाला स्टेप कर रहे हो तो वहीं पर इन चीजों को स्टार्ट कर दो, वहीं कर करके आपने उसको देखना है। मैंने एक बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया हुआ है एग्जाम प्रिपरेशन, एग्जाम प्रेजेंटेशन पे, और हाउ टू राइट डेरिवेशंस इन फिजिक्स, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उन्हें जरूर देख लेना। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको सब कुछ आता हो लेकिन आप पेपर में उसको कर ना पाओ, तो टाइम मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा चीज आपकी हेल्प करेगी वो है टेस्ट्स प्लस सैंपल पेपर प्रैक्टिस। एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, देखो टेस्ट तो आप जितने मर्जी दो कम है, ठीक है, टेस्ट आप जितने मर्जी दो कम है, चैप्टर वाइज दो, टॉपिक वाइज दो, यूनिट वाइज दो, बुक वाइज दो, अपने टीचर को पकड़ो और जितने ज्यादा टेस्ट दे सकते हो दो। एक बार जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो बहुत सारे आपको सैंपल पेपर सॉल्व करने होंगे, 10 से 15 सैंपल पेपर्स कम से कम सॉल्व करोगे, और इतने ही आप 3-3 घंटे के टेस्ट भी दोगे, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। तो सिलेबस खत्म करने के बाद ये हमारा एक मेजर स्टेप रहेगा, समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें अगर आप कर लो, आज से ही स्टार्ट हो जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता, आप 100% मार्क्स स्कोर करके आओगे फिजिक्स के सीबीएसई एग्जाम में। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट है। हो सकता है आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा हो जिसको मैं यहां पे नहीं उठा पाया, तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो, उसके बारे में मैं रिप्लाई कर दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका आंसर दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।